जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है ओनली वही लोग इस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले सकते हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में एक लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि दो ही दिन में एक्सपायर हो जाएगी। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करो, अगर अभी भी नहीं किया तो कर लो ताकि नेक्स्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया NHRC की तरफ से आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप लॉन्च की है। ओनली 12 डेज की इंटर्नशिप है, स्टीपेंड भी आप लोगों को मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आप सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हो इस इंटर्नशिप के लिए। कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, कोई एग्जाम नहीं देना, जस्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है मोबाइल फोन से। अभी मैं पूरी प्रोसेस आप लोगों को इस इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन कैसे होगा और अपना सिलेक्शन कैसे करवा सकते हो सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आप लोगों को NHRC की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये एक शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो कि NHRC की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए निकाला गया है। ये एक ऑनलाइन इंटर्नशिप आप लोगों के लिए रहने वाली है। इससे पहले भी अक्टूबर मंथ में इस टाइप की इंटर्नशिप निकाली थी और देख सकते हो करीब 80 प्लस स्टूडेंट्स का यहाँ पे इस इंटर्नशिप में सिलेक्शन हुआ था। अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। अभी जो इंटर्नशिप आप लोगों के लिए फरवरी मंथ के लिए निकाली गई है, 5 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक अगर आप फ्री हो तो इस ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आप लोगों के लिए रहने वाला है, फ्री इंटर्नशिप ट्रेनिंग रहने वाली है जहां पर आप लोगों को इंटर्नशिप की नॉलेज के साथ साथ एक फ्री ट्रेनिंग भी मिलने वाली है। यहाँ पे इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में आप लोग 5 से 16 फरवरी के बीच में 12 डेज की इंटर्नशिप रहने वाली है आप लोगों के लिए। अगर हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करें कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस प्रोग्राम के लिए, तो अगर आप लोग थर्ड ईयर कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर ऑनवर्ड्स हो 5 ईयर की डिग्री कर रहे हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो फाइनल ईयर में हो ग्रेजुएशन की डिग्री में तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हो एनी सेमेस्टर एनी ईयर तो अप्लाई कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हो तो अप्लाई कर सकते हो, या रिसर्च स्कॉलर हो तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आपके 12th क्लास में 60% एंड अबव मार्क्स होने चाहिए, बस यही टर्म्स एंड कंडीशन आप लोग के लिए रहने वाली है। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, इस इंटर्नशिप में आप लोग का सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, तो यहाँ पे देखो आपका कोई एग्जाम वगैरह नहीं होने वाला इस इंटर्नशिप के लिए। आपने जो अपने रेज्यूमे में को करिकुलर एक्टिविटीज मेंशन की होंगी, इंटर्नशिप मेंशन की होंगी, या फिर आपने कोई मूक कोर्ट पार्टिसिपेशन किया है, या फिर आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है और या फिर किसी एनजीओ के साथ आपने काम किया है, उनके बेसिस पे आप लोग का इस इंटर्नशिप में सिलेक्शन होने वाला है। आप लोग को एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी ऐड करना पड़ेगा, 250 वर्ड्स का एक पैराग्राफ आपको ऐड करना होगा जिसमें आप मेंशन करोगे कि क्यों आप लोग के लिए ये इंटर्नशिप बेनिफिशियल हो सकती है अगर आप लोग का सिलेक्शन होता है तो। जहां पे आप लोग अपने रिसर्च एरियाज भी मेंशन कर सकते हो किस चीज में आपको इंटरेस्ट है पर्टिकुलरली। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो आप लोग को एक सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट चाहिए 12th में आपके, जो सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट आपको ऐड करनी होगी। इसके अलावा आप लोग को स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऐड करना होगा और उसके अलावा आप लोग को एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिएगा जिस भी कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम स्टीपेंड की बात करें तो इस इंटर्नशिप में देखो अगर स्टीपेंड देखेंगे तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने पे हमें पता चलेगा 2000 रुपये मिलने वाले हैं यहाँ पे 12 डेज के। इस 12 डेज की इंटर्नशिप के लिए 2000 रुपीज पे करेंगे आप लोगों को, ये NHRC से आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आप लोगों का यहाँ पे काम क्या रहने वाला है, जो ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप है इसमें आप लोग क्या करोगे, तो यहाँ पे देखो अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग यहाँ पे सेशंस आप लोगों को अटेंड करने का मौका मिलेगा। आप लोगों के जो इनके चेयरपर्सन है उनका इंटरव्यू और इंटरेक्शन आप लोगों के लिए होगा सबसे पहले। उसके बाद अलग अलग ग्रुप प्रोजेक्ट्स पे आप लोग काम करोगे रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। उसके बाद एक बुक रिव्यू भी करने का मौका मिलेगा। वर्चुअल फील्ड विजिट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे जेल से रिलेटेड फील्ड विजिट, पुलिस स्टेशन से रिलेटेड, एनजीओ से रिलेटेड, फिल्म्स ऑन ह्यूमन राइट एंड डिस्कशन से रिलेटेड आप लोगों को नॉलेज मिलेगी, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया की तरफ से आप लोगों को ये प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो ड्यूरेशन रहने वाला आप लोगों का इंटर्नशिप का, वो जैसे मैंने बताया 12 डेज की इंटर्नशिप होगी, फुल टाइम इंटर्नशिप होगी। सुबह 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आप लोग इस इंटर्नशिप को अटेंड कर रहे होंगे। आपकी जो एज है वो 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये टर्म्स एंड कंडीशन है। बाकी आप लोगों ने कभी इस टाइप की इंटर्नशिप पहले भी नहीं ज्वाइन की होनी चाहिए तभी आप लोगों का इस इंटर्नशिप में सिलेक्शन होगा। अगर लास्ट डेट की बात करें 17th जनवरी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तभी मैं कह रहा था लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी है, अगर आप लोग इस डेट को मिस कर देते हो तो टेंशन की बात नहीं है, आपको चैनल पे जाना है। चैनल पे आप लोगों के लिए कुछ और एक्सक्लूसिव इंटर्नशिप है, जैसे अमेजोन के कॉलेज स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप है, 60,000 रुपये स्टीपेंड दे रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप डालिए, 35,000 रुपये स्टीपेंड मिल रहा है। IIT मद्रास की इंटर्नशिप डालिए, 30,000 रुपये स्टीपेंड मिल रहा है। तो ये वाली इंटर्नशिप के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हम बात करें आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है इसके लिए इंटर्नशिप के लिए, तो आप लोगों को एक लिंक मिलेगा NHRC का, यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा।
उसके बाद आप लोग इस वाली गाइडलाइन वाले पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस आप लोगों के लिए मेंशन है, ये सारी गाइडलाइन एक एक करके आप लोग को पढ़ लेनी है। लास्ट में पूछा गया कि आपने कभी एनएचआरसी के साथ इंटर्नशिप की है, नहीं की है, यस नो कर देना है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करते इस तरीके का आप लोगों के सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाए, ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी है, जैसे एप्लीकेंट का फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, स्टेट वगैरह, ये सारी डिटेल एक एक करके आप लोग ऐड कर दोगे। लास्ट में आएगा सेव बेसिक डिटेल, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने एजुकेशन डिटेल ऐड करनी है। उसके बाद आप लोगों को अपनी प्रेजेंट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इंस्टीट्यूट की डिटेल ऐड करनी है। ये सारी डिटेल एक एक करके सारी फिल करनी है। कुछ डॉक्यूमेंट जो मैंने आप लोगों को बताया था, 10th के डॉक्यूमेंट, 12th के डॉक्यूमेंट, ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स और लास्ट इंस्टीट्यूट के डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ऐड कर लेने हैं। आपको एक फोटोग्राफ भी चाहिए वो भी ऐड कर लेनी है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो आप लोगों का इस वाली फाइल में आप लोगों को मिल जाएगा। नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो ये वाला लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप लोगों को प्रिंट करवा के अपने कॉलेज के साइन वगैरह ले लेने हैं। थोड़ा जल्दी करना होगा आप लोगों को क्योंकि लास्ट डेट बहुत पास है आप लोगों के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके आप लोग ये फाइनल सबमिट पे पहुंच जाओगे। फाइनल सबमिट में सारी डिटेल्स आप लोग को यहाँ शो होने लग जाएगी। लास्ट में आप लोग को फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके आप लोग इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से ऑनलाइन ही। तो बहुत ही एक्सक्लूसिव इंटर्नशिप है, आज ही आप लोग अप्लाई कर देना। इस वीडियो में गाइस बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।